नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। हिंदूवादी दिनेश शर्मा पर गुंडा एक्ट लगाने पर आगरा कमिश्नरी को ज्ञापन दिया। अखिल भारत हिंदू महासभा एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा आगरा कमिश्नरी में भारी संख्या में एकत्रित होकर हिंदूवादी दिनेश शर्मा के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्यवाही के विरोध में एक ज्ञापन ज्वाइंट कमिश्नर एके सिंह को दिया। इस अवसर पर न्यास एवं हिंदू महासभा के मथुरा, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, मथुरा से जुड़े कार्यकर्ता कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचे हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष छाया गौतम, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के महानगर अध्यक्ष नरेश ठाकुर, विश्व हिंदू परिषद नेता पंडित जयराम शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष छाया गौतम ने कहा कि श्री कृष्ण के परम भक्त दिनेश शर्मा को कोई राजनीतिक द्वेष भावना से गुंडा एक्ट में फंसाया गया है, जिससे ब्रजवासियों की जनभावनाएं आहत हुई है, क्योंकि दिनेश शर्मा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद के हिंदू पक्षकार है। ऐसा प्रतीत होता है कुछ शक्तियां प्रशासन से मिलकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। उन्होंने कमिश्नर के नाम ज्ञापन में कहा कि इस सारे प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच हो। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय शर्मा, बजरंग दल के पूर्व नगर संयोजक ज्ञानेश चौधरी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार सनातनी है, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र रचकर सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। युवा प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश भदौरिया, आगरा, जिला अध्यक्ष सौरभ शर्मा, राकेश चौधरी ने कहा कि कुछ समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस विचारधारा के प्रशासनिक अधिकारी योगी आदित्यनाथ जी की छवि को खराब करना चाहते हैं। उनकी द्वेष भावना हिंदूवादियों को भोगनी पड़ रही है। बजरंग सेवा के विनेश कुंतल, जिला महामंत्री चंद्रकांत पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष पवन गौतम ने कहा कि सभी सनातनी दिनेश शर्मा के साथ हैं। संपूर्ण साधु संत एवं प्रबुद्ध जन, हर एक ब्रजवासी को गुंडा एक्ट लगाए जाने का बहुत दुख है। वह सोच भी नहीं पा रहा भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक कृष्ण भक्त पर किस प्रकार से गुंडा एक्ट लगाया जा सकता है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से राहुल गौतम, ब्रजेश शर्मा, गणेश पहलवान, बांके बिहारी शर्मा, भानु गौतम, रामनरेश यादव, कैलाश ठाकुर, दौजीराम बघेल, कन्हैयालाल शर्मा, महेश रावत आदि उपस्थित थे। मथुरा से संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। आज आगरा में हमारे ऊपर जो गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है मथुरा पुलिस द्वारा, उसके विरोध में आगरा कमिश्नरी में हजारों हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने, सनातनी हिंदुओं ने पहुंचकर वहाँ विरोध जाहिर किया। आगरा में कमिश्नरी में जॉइंट कमिश्नर जी ने आश्वासन दिया है कि दिनेश शर्मा पर जो गुंडा एक्ट लगाया गया है उसकी जांच कराकर उसको ख़त्म कराने का प्रयास किया जाएगा और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए जो संघर्ष किया है वह सभी सनातनी हिंदू भाई जानते हैं। हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक हमारे भगवान कृष्ण का मंदिर विवादित ढांचे से मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और ना ही अपने पैरों में जूता चप्पल पहनेंगे। तो हमारे संकल्प से मुस्लिम संगठनों में भारी विरोधापन देखा जा सकता है। इस अपराध में जो भी लोग शामिल हों उनकी जांच होनी चाहिए। मुस्लिम संगठनों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में रुपया इकट्ठा किया गया है कि जो भी कृष्ण भगवान का जो केस लड़ रहे हैं उनको हटाने का, उनको मिटाने का एक षड्यंत्र है। मथुरा में भी एक दो अधिकारी उन मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए हैं और वो मुस्लिम संगठन इतने शक्तिशाली हैं कि उनके तार एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से भी जुड़े हुए हैं जो उनको धन मुहैया करा रहे हैं। और ये मुस्लिम संगठन चाहते हैं कि कृष्ण भगवान का केस लड़ने वाले जो सनातनी हिंदू हैं उन पर फर्जी केस लगाए जाए, उनकी हत्या की जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा षड्यंत्र निकल के आएगा। पुलिस अधिकारियों द्वारा हम जैसे सनातनी पर गुंडा एक्ट लगाना बहुत ही चिंता का विषय है। हमने माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया था कि ईदगाह मस्जिद को गंगा जल से धोकर शुद्ध करके वहाँ लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करेंगे और जो उनकी अजान होती है उसको स्पीकर के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि
जो तुम अपने अल्लाह को पुकार रहे हो, आवाज़ दे रहे हो, तो बिना माइक के ही दे सकते हो। वहाँ पर रहने वाले सनातन हिंदुओं को उससे बहुत तकलीफ़ होती है। तो हमने कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे उठाए जो जायज़ और उचित हैं। हमने ईदगाह में बिजली चोरी पकड़वाई, जिससे मुस्लिम संगठनों में बहुत भारी रोष व्याप्त है। ईदगाह मस्जिद वालों पर 3 लाख का जुर्माना हुआ था बिजली विभाग द्वारा। तो हमारी जो कार्य प्रणाली है, वो हम यही चाहते हैं कि इन सभी की निष्पक्ष जांच हो, और जांच करने में जो अधिकारी दोषी हों उन पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि हम लोग ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिससे हमको ये लोग गुंडा बना रहे हैं। हम लोग रहें या ना रहें, लेकिन हमारे सनातनी हिंदू भाई मंदिर की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है। अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का एक ना एक दिन भव्य मंदिर बनेगा, और सभी सनातनी हिंदू भाइयों की मेहनत रंग लाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कौशिक जी के खिलाफ लगे गुंडा एक्ट के विरोध में आज अखिल भारत हिंदू महासभा की समस्त टीम मथुरा और आगरा पहुंची, मंडल आयुक्त महोदय से निवेदन करने कि यहां का प्रशासन की मंशा ठीक नहीं है दिनेश कौशिक जी को लेके, कृपया उस जांच को दोबारा कराएं और निष्पक्ष जांच कराएं, जांच कराकर उस गुंडा एक्ट को उनके ऊपर से हटाया जाए, यह अखिल भारत हिंदू महासभा की मांग है। अन्यथा की स्थिति में अखिल भारत हिंदू महासभा एक बड़ा आंदोलन करेगा।